तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि हम कहें कि हम प्रॉफिट गेन कर सकेंगे लेकिन ये डिपेंड करता है आउटपुट प्राइस के ऊपर अब इसी तरीके से अगर हमने इसको अल्जब्रिकली देखना होगा तो भी हम उसकी जितनी चीज़ों का देख चुके हैं कि ये इनपुट प्राइस और आउटपुट प्राइस दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है सो कीपिंग इन व्यू हम अब प्रॉफिट फंक्शन के बिहेवियर को ऑलरेडी चूंकि स्टडी कर चुके हैं तो वहाँ से हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को असरटेन करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि हमें एक तो वो लेवल ऑफ आउटपुट को देखना है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट मीन दैट इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेर वी कैन से दैट द फर्म इज ऑप्टिमाइजिंग और फर्म इज़ हैविंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंड सेकेंडली हम अगर देखें तो जिसकी एक और फंडामेंटल कंडीशन है कि इसको हम अगर इक्वली तो इसको लॉन्ग रन प्रॉफिट्स पे जाना चाहिए बिकॉज समटाइम्स शॉर्ट टर्म में बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं तो इट इज़ हैविंग द लॉन्ग रन प्रॉफिट्स इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो जब हम इसकी मुख्तु प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आउटपुट प्राइसिस के रिस्पॉन्स में ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगा और इन अदर वर्ड्स फॉर द आउटपुट प्राइसिज द प्रॉफिट फंक्शन इट विल ऑलवेज बी हैविंग अ पॉजिटिव स्लो लेकिन जब ये इनपुट प्राइसिस है तो वहाँ पर ये नॉन इंक्रीजिंग होगा और या हम कहेंगे कि वहाँ पे ये डिक्रीज़ होगा अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम जब इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी मोस्टली हम कहें कि ये अगर दोनों इनपुट और आउटपुट की प्राइस में चेंज जो है वो सेम प्रोपोर्शन से हो रही हो तो फिर तो ये ऑफसेट हो जाएंगी लेकिन डिपेंड करेगा उसकी इलास्टिसिटी पे कि से आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ तो ये रेवेन्यू के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो इसीलिए अगर हम देखें तो प्राइस के हवाले से हम कहें तो इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी वन है इट मीन्स कि अगर प्राइस में जितनी चेंज पॉजिटिव फॉर्म में आ रही होगी तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रॉफिट बिकॉज ये रेवेन्यू में एड कर रही होगी लेकिन ये उसके बिहेवियर के फॉर्म में अगर हम कहें तो ये आउटपुट प्राइसिस के फॉर्म में अपना जो एटीट्यूड है वो कन्वेक्स शो करता है अब इसी को अगर हम देखें तो ये प्राइसिस के हवाले से अगर हम कहें तो ये कंटीन्यूस बिहेवियर को शो करता है कंटीन्यूस इसलिए कि अगर हम कहें कि इसमें ये गैप्स नहीं हो सकते बिकॉज मार्केट प्राइस में जब भी चेंज आइदर इट इज़ वेरी स्मॉल तो ये उसको लाजमी अपने उस सिस्टम में इंक्लूड कर पाएगा तो देयर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी कि दैट कोई भी जो चेंज इन प्राइस है उसको वो जंप ओवर कर दे तो कीपिंग इन व्यू दिस बिहेवियर ऑफ़ द फर्म्स तो जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्पेक्ट या प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है वो ये है कि आउटपुट प्राइसेस के लिए प्रॉफिट फंक्शन विल ऑलवेज भी पॉजिटिवली स्लोप एंड फॉर इनपुट प्राइस के लिए हमेशा ये नॉन इंक्रीजिंग और इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा हो